में बहुत ज़्यादा रन हो गए और उसके बाद 169 सिक्सटी चेजेबल स्कोर था इन कंडीशन में इन विकेट में आई थिंक लैक ऑफ इंटेंट आई विल से एंड फिनिशिंग टच नहीं हो पा रहा जिसकी वजह से ऐसे हुआ है और ऑब्वियसली uh, बात है कुछ uh, टीम में ऐसा हो जाता है अक्सर कि आप क्लिक uh, नहीं कर पा रहे बट हम ओवरऑल क्रिकेट फेजेस में बहुत अच्छी खेल रहे हैं ऑल टुगेदर मिक्स होगा तो होपफुली हम जीत सकेंगे और जहाँ तक कल की मैच की बात है आज का मैच तो हो गया मिस्टेक्स uh, हुई हैं बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हुई हैं लेकिन हम वही कोशिश करेंगे प्रोफेशनल्स वही होते हैं जो जब चिप्स आर डाउन एवरीथिंग इज अगेंस्ट यू देन यू टर्न अप एंड विन योर टीम अ गेम जी जुबैर भाई थैंक यू मत कंटिन्यूसली तीन डिफेट्स है कि तकलीफ तो हुई भी होगी दुख भी हुआ होगा क्वेश्चन है कि मार्टिन की इनिंग्स को आप कैसे देखते हैं उसकी इनिंग्स जो है बड़ी काउंट करती है मैच में और अदर साइड के ऊपर आखिरी पाँच ओवर्स को कैसे डिफाइन करेंगे दोनों साइड्स के और श्वेब की बैटिंग का लें देखें ओवरऑल जब भी आप किसी की इनिंग्स देखते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा एज अ लोकल प्लेयर आप सीखते हैं उसने बिल्कुल रिस्क ले लिया और उसको पता था कि एंड में वो कैपिटलाइज़ करेगा हमने थोड़ी गंदी बॉलिंग भी की नो डाउट अबाउट इट बट उसकी इनिंग से नथिंग कैन टेक अवे हंड्रेड एंड ट्वेंटी आउट रन करना कोई मजाक नहीं है वन साइड उसने सारे स्कोर किए सो so, यही होता है ओवरसीज प्रोफेशनल का यही होता है कि वो जब सेट uh, होता है तो बहुत लंबा लेके कर जाता और मैच फिनिश uh, कर देता लेकिन वो इतना स्कोर नहीं था हम समझते वन सेवेंटी वी कैन चेज़ डाउन हमारी तरफ से बहुत गलती हुई और यही टी ट्वेंटी की खास बात है कि आपने स्टार्ट अच्छा किया है तो फिनिश अच्छा करना चाहिए था लास्ट पाँच ओवर हमें बॉलिंग से फिनिश करना चाहिए था और लास्ट पाँच ओवर हमें बैटिंग से फिनिश करना चाहिए था सो so, यही टी ट्वेंटी की खासियत है मैं ये नहीं कहूँगा कि हम बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं क्लोज़ गेम्स हैं और देखें क्लोज़ गेम कहीं भी भी जा सकते हैं एक थोड़ी सी लक की भी ज़रूरत है और थोड़ा सा हमें भी अपने आप को उठा के खेलना होगा शुएब भाई देखें कहने की ज़रूरत ही नहीं आप सबको पता है वन ऑफ़ द बेस्ट फिनिशर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट और जिस तरह वो खेलें फर्स्ट थ्री गेम्स में एवरीबडी कैन सी कि पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता इतने ज़बरदस्त मिडल ऑर्डर बैट्समैन इस एज में अभी तक है पाकिस्तान में आ, इमाद इधर वाईम अच्छा पी एस एल सिक्स के अगर प्ले ऑफ को भी ले लें तो चौदह मैचों में आज तेरहवा मैच आपकी टीम आ है तो टूर्नामेंट से पहले जो एक हाइप क्रिएट होती है एक वो भी इसका आप फैक्टर समझते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जब हाइप क्रिएट होती है तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है और इस टूर्नामेंट के स्टार्ट में वो जो एक बाबर फैक्टर था मीडिया में ये तसर आया कि शायद बाबर वर्सेस कराची किंग्स है तो उससे थोड़ा सा आप ये नहीं समझते कि एक प्लेयर पर अगर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे करें तो आपका तवज्जो जो है वो थोड़ी सी आउट हुई कि बाबर को बहुत ज़्यादा आपने टारगेट कर लिया <laughs> नहीं ऐसी कोई बात नहीं आई थिंक मीडिया पे जो भी बात आती है कुछ सच होते हैं कुछ गलत होते हैं uh, मैं बाबर के बारे में बात ही नहीं करना चाहूँगा क्योंकि हमारी टीम जिस तरह खेल रही है आई थिंक uh, हमें थोड़ा सा रिजल्ट्स की तरफ जाना चाहिए क्योंकि जिस जिस कंडीशंस में हमारी बैटिंग आ रही है और हम फिनिश नहीं कर पा रहे वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है सेकेंडली आई थिंक बॉलिंग हमारा जो डेथ ओवर्स है वो फैक्टर्स थे और थर्डली मैं देखें सच मैं आपको बताऊं चौदह में से तेरह मैच हम हारे हैं नो डाउट फैक्ट्स को कोई डिनाई नहीं कर सकता लेकिन स्टिल टूर्नामेंट में अभी तीन मैच हुए हैं और सेवन मैच है हमारा फर्स्ट टारगेट है सबसे पहले मैच जीतना उसके बाद आ, प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करना यह हमारा टारगेट है अब टॉप टू में भी आ सकते हैं अगर आप सेवन गेम्स जीतें लेकिन आ, रियलिस्टिकली आप देखें तो हमें प्ले में सबसे पहले आना है और उसके बाद हमने देखना है कि हम कैसे लें और एक बार अगर टीम मोमेंटम गेन कर ले विनिंग विनिंग स्ट्रीक के साथ क्योंकि हम लूजिंग स्ट्रीक के साथ ही खेलते आ रहे हैं लास्ट सीज़न भी और अभी भी एक बार वो जीत का आपको कहते हैं जैसे जीत का कोई नशा हो या कुछ वो आप पे आ जाए तो उसके बाद आप एक अनफोर्सेबल टीम होते हैं सो अभी तक ऐसा नहीं हो पा रहा आ, और ये हमारी ही गलतियाँ हैं ना मीडिया की है ना बाहर किसी की है, हम लोग ही गलत खेल रहे हैं तो इसको मैं कहूँगा कि हम लोग बैठेंगे फिर से और कोई एक बंदा टर्न अराउंड करने की कोशिश करे मैच जितवाए ताकि सबका बिलीफ वापस आए और फेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी एनी स्पोर्ट्स एनी करियर सो आई स्टिल हैव फेथ इन कराची अच्छा इमाद टूर्नामेंट से पहले आपने कहा था कि हमने ज़्यादा मैच विनर्स शामिल किए हैं इस मरतबा तो समझ नहीं आ रहा वो मैच विनर्स हैं कहाँ चौदह में से आपको तेरह मैच आप हार गए हैं और दूसरा बार बार तब्दीलियाँ भी कर रहे हैं आप टीम में तो क्या पैनिक बटन दब गया है अभी से ही देखें आ, सारे मैच विनर्स हैं कोई ऐसा कोई ऐसा प्लेयर मैं नहीं समझता जो ना हो कॉम्बिनेशन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं हैविंग दैट कंडीशन भी हम देख रहे हैं किस कंडीशन में हम कैसे खेल रहे हैं सो so, कॉम्बिनेशन अभी उस तरह बन नहीं पा रहा वंस uh, क्योंकि अब तो तीन गेम्स हो चुके हैं अब हमें रियली uh, बैठ really के सोचना पड़ेगा कि किस कॉम्बिनेशन से खेलें और किस तरह की क्रिकेट खेलें सो so, uh, देखें मैच विनर्स तो हैं मैं अभी भी यही कहूँगा uh, जब तक टूर्नामेंट से एलिमिनेशन लिखा नहीं आता मैं कभी भी आपको ये नहीं बोल सकता कि हम नहीं जीतेंगे तो हम कोशिश यही करेंगे सबसे पहले प्ले के लिए क्वालिफ़ाई करने की कोशिश करें और गेम बाई गेम लेके चलें हमने तीन टीम्स के साथ खेला है हमें आइडिया है उनके वीकनेस और प्लस पॉइंट का सो आई थिंक नेक्स्ट टाइम जब भी हम इन टीम से दोबारा खेलें और अगर जीत हमारे साथ हो और हम अच्छी क्रिकेट खेलें तो हम प्ले में पहुंच सकते हैं अच्छा इमाद आपने इनिशियली टूर्नामेंट से पहले कहा था कि एग्रेशन वे ऑफ स्टाइल आप नहीं छोड़ सकते ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं आप ज़्यादा ओवर एग्रेशन हो गई है टीम नहीं देखें समटाइम्स ऐसा होता है कि आप इंटेंट आपका नहीं होता समटाइम्स आप आ, विकेट्स जो हैं वो बहुत ईजी दे देते हैं ऐसी ऐसी कंडीशन में सो so, यही बात हुई थी कि अपनी अपनी विकेट ईजीली नहीं देनी सो so, क्योंकि एक बैट्समैन अंदर है आप देख सकते हैं कि कुछ भी पॉसिबल हो सकता है स्पेशली कराची की विकेट्स में सो so, अभी ये हो नहीं पा रहा क्योंकि जो सेट होता है वो आउट हो रहा है मासे वाय शुब मलिक के सो आई थिंक शुएब भाई ने बहुत ज़बरदस्त ये इन इन चीज़ों में सीखना चाहिए कि आप सेट हो जाएं तो आप आ, फिनिश करके आए गेम सो so, ये हमारा नहीं हो पा रहा और देखें हो जाता है अप एंड डाउन पार्ट ऑफ क्रिकेट है बट मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ मैंने अभी तक फेथ नहीं छोड़ी जब मैं फेथ छोड़ूंगा मैं आपको बोल लूँगा हम फेत छोड़ चुके हैं हम खेलेंगे और हम कोशिश यही करेंगे कि हम और तगड़ा खेल के तीन मैचों को हम भूल जाएँ इमद लास्ट टाइम जब इधर लेफ्ट पे जब बाबर कप्तान थे तो शिकस्त हो रही थी तो ऐहरा उन पर बतौर कप्तान तनकीद हो रही थी अब आप कप्तान हैं तीन शिकस्त हो गए तो थोड़ा प्रेशर महसूस कर रहे हैं और दूसरा एंड्रो टाइप फिलर लास्ट मैच में फिलर को ही पड़ी है अब एंड्रोटाए तो लोकल फास्ट बॉलर की तरफ क्यों नहीं जा रहे जब आपके ओवरसीज़ नहीं कर पा रहे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आ, देखें प्रेशर तो आप चाहे फ्रेंचाइज खेलें चाहे इंटरनेशनल खेलें अगर आप हारेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर उस तरह नहीं आता कि मीडिया के दबाव से आ रहा है या इस तरह नहीं आता ऑब्वियसली आप देखते हैं सोशल मीडिया सारा कुछ होता है आई थिंक कराची को प्यार भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं uh, थोड़ा सा हल्का फुल्का कह भी देते हैं सो so, वो चीज़ मेरे उसमें बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मेरी जॉब यही है जब तक मेरी जॉब है कि हमारी टीम जीते अच्छा खेले एज अ कैप्टन मैं बिल्कुल भी प्रेशराइज़ नहीं हूँ इस तरह का यस वी लॉस द गेम स्पोर्ट्स uh, में ऐसा होता है कि आप हारते हैं लेकिन ऑनेस्ट ऑनेस्टली बात बताऊं कि मैं बिल्कुल भी इस प्रेशर था 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 नहीं हूँ वन विन कैन टर्न अराउंड बिल्कुल uh, हम इस पर बैठ के डिस्कस करेंगे आई थिंक uh, uh, देखें फेयर uh, रन होना चाहिए आई थिंक uh, कुछ लड़कों को फेयर रन मिल चुका है सो so, अब कॉम्बिनेशन एक बार हम बनाएंगे उसके बाद हम बैठेंगे बात करेंगे आज आज की रात है कल सुबह तो so, कल आके फिर से कोशिश करेंगे कॉम्बिनेशन बट एक बार कॉम्बिनेशन सेट हो जाए और आपकी टीम जीतने लग जाए तो थिंग्स एंड टर्न अराउंड अभी तो सैड फेस है तीन चार मैचों बाद यू नेवर नो कि हम क्वालिफाई की तरफ जा रहे हैं और सारे खुश हो आ, इमाद आपका मेन बॉलर मोहम्मद आमिर है ऑब्वियसली पिछले दो मैचेस में उन्होंने जिस तरीके का एग्रेशन दिखाया ख़ास तौर पर यंगस्टर को हसन नवाज़ के सामने या मोहम्मद हारिस की बात की जाए तो उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा शाहिद खान आफरीदी ने कहा कि उन्होंने उसको मैसेज करके समझाया कि इस तरीके की चीज़ें आपके लिए बुरी है तो क्या टीम में भी उनको इसी तरीके की चीज़ समझाई गई है क्योंकि आपके डग आउट में भी वसीम अक्रम मौजूद हैं तो उस तरीके की कोई चीज बात हुई है उनसे नहीं मेरा तो नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ है आई थिंक फॉलोर का एग्रेशन होता है देखें मैच रेफरी ने कोई फाइन तो नहीं किया अभी तक या कुछ ऐसे तो नहीं कहा आप एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं और अगर वो ऐसे अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं अनल उसे फ़ाइन ना हो मैच बैन ना हो तो मुझे कोई मसला नहीं है और दूसरी टीम्स के खिलाफ भी ऐसा होता है दूसरी टीम भी ऐसा करे अनलेस उन्हें फ़ाइन ना उन्हें बैन ना हो तो बिल्कुल भी ऐसा ना हो आई थिंक रिस्पेक्ट होनी चाहिए बट एग्रेसन भी होना चाहिए मैं कभी भी किसी भी प्लेयर को ये आमिर हो या दूसरी टीम से शाहन हो मैं कभी भी कुछ ऐसे नहीं कहूँगा कि उनका रवैया ऐसा था आई थिंक फास्ट बॉलर है ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है आप आप आउट करते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं सेलिब्रेशन सो समाइम्स इट हैपन्स बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है और शाहिद भाई ने अगर कहा होगा आमिर से बात की होगी तो आमिर आपको सही बता सकता है मैं मैं तो कुछ नहीं कह सकता सामकम इमाद दिस इज़ मोहम्मद अरेउद्दीन शेख है आपने इमाद अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में ये कहा कि हम एग्रेसिव ब्रांड ऑफ़ क्रिकेट खेलेंगे पीएसएल में और मैं सपोर्ट भी करता हूं और मैं पसंद भी करता हूं कि अग्रेसिव ब्रांड ऑफ़ क्रिकेट खेला जाए मॉडर्न डेज़ के हिसाब से बट इस पूरे टूर्नामेंट में आपका आगाज़ ही इतना अच्छा नहीं हो सका तो आप क्या समझते हैं कि आप उस एग्रेसिव ब्रांड ऑफ़ क्रिकेट को उस तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे आने वाले मैचेज़ में क्योंकि सबसे पहले तो आपका यही एम होगा कि हमें पहले मैच जीतना है तो आप क्योंकि अग्रेसिव ब्रांड ऑफ़ क्रिकेट तो आप ख़ुद भी समझते होंगे कि वो जाहिर है उसमें तो फिर हार या जीत दोनों आर पार की कहानी हो जाएगी तो आप नहीं समझते कि अब आप, आपका वो थोड़ा सा प्लान पीछे चला गया होगा नहीं ऐसा मैं नहीं समझता वेरी लॉन्ग क्वेश्चन बट मैं ये नहीं ऐसे समझता बिल्कुल देखें अग्रेसिव खेलने का मकसद ये नहीं होता कि हवाई तवाई आप खेलें या उस खेलें एग्रेसिव एक तरीका होता है एग्रेसिव क्रिकेट खेलने का भी आप क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं आप एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को अनफॉर्चुनेट ये हो रहा है कि हम पावर प्ले में विकेट गिरें तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे वंस वी सेटल विद डैट वंस एवरी थिंग क्लिक टुगेदर हम खेलेंगे वही क्रिकेट देखें हम बॉलिंग में भी वैसी कोशिश करें और बैटिंग में भी वही कोशिश करें सो so, हर चीज़ को एक टाइम लगता है अब तीन मैच हो गए तो हम फिर बैठ के ब्रांड ऑफ क्रिकेट एग्रेसिव ही खेलेंगे देखें डेढ़ सौ दो सौ दो दो सौ रनस अगर करेंगे यहाँ पे तो जीतेंगे सो इसी तरह की क्रिकेट हम खेलने की कोशिश करेंगे एम तीन मैच हार गए हैं और नाकामियों की हैट्रिक हो चुकी है और डेफिनेटली आप कोशिश कर रहे हैं कि इस टीम को उठाया जाए लेकिन आपकी नाकामियों में फ़ास्ट बॉलर का बड़ा नुमाया किरदार रहा है जिस तरह आपने भी खुद कहा कि हम अब लोकल बॉयज़ की तरफ देखेंगे वसीम अक्रम का इस टीम की बॉलिंग में क्या रोल है वो इस टीम के प्रेजिडेंट भी हैं और फास्ट बॉलर होने के साथ साथ तो वो किस तरह देख रहे हैं फास्ट बॉलर को आ, देखें अब ऐसा देखें एंड्रू ट्राई और जैसे हमारे और भी बॉलर्स हैं जेम्स बॉलर हैं और भी फास्ट बॉलर्स हैं आई थिंक उनकी तीन तीन सौ एंड्रूटाई की तीन चार सौ विकटें आप उनको जाके समझा तो नहीं इस तरह सकते या उनको नहीं कर सकते आ, देखें फास्ट बॉलिंग लैग करिए कोई डाउट नहीं है इसमें आई थिंक आमिर के साथ कोई ऐसा फास्ट बॉलर नहीं है जो या तो स्ट्राइक करके दे या आपको रनस कंटेन करके दे यही एक आ, हमारे डेथ ओवर्स में इशू आ रहा है क्योंकि आमिर वन ऑफ अ काइंड एक्सेप्शनल बॉलर है आप मतलब जितने भी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में लोग हैं जर्नलिस्ट हैं वो ये समझते हैं बात और उसको एग्री करते हैं उसके साथ ऐसा कोई बॉलर नहीं आ पा रहा मैंने लोकल बॉलर्स को ये भी कहा है मैंने कहा है इनको ये बात मैंने ज़रूर की है कि अगर आप कंडीशंस को रख के बॉलिंग करेंगे तो आप कामयाब होंगे और ये लड़के इनको सीखना यही चाहिए इवन हमारे डोमेस्टिक लोकल बॉलर्स को भी कि आ, किस तरह बचा जाता है और किस तरह अटैक किया जाता है और किस वक्त अटैक किया जाता है किस वक्त बचा जाता है तो हमारे फास्ट बॉलर जो हैं जिस तरह हम लोग ने रन दिए हैं इट्स इट्स इस नॉट एक्सेप्टेबल बट मैं ये भी कहूँगा टी ट्वेंटी में लग सकते हैं मतलब गप्टिल ने अगर इतनी अच्छी इनिंग के लिए आ, हमने लेंथ मिस की है और इस कंडीशन में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है और आपने जैसे देखा कि जब हम लोग बैटिंग कर रहे थे तो उन्होंने मार्जिन ऑफ एरर को बहुत कम किया जिसकी वजह से उन्होंने विकेट्स भी ली और कंटेन भी किया सो देखिए मिक्स होता है आ, हम ज़्यादातर दो गेम्स हम बॉलिंग की वजह से आ रहे एक गेम हम बैटिंग की वजह से आ रहे तो किसी को भी इस तरह कह नहीं सकते बस यही कर सकते हैं कि मु हाई रखें हार जीत तो होती है लेकिन हमारी जो एक विनिंग स्ट्रीक है उसको हमने लाने के लिए पहले एक गेम जीतना पड़ेगा उसके बाद कॉन्फिडेंस आएगा और उसके बाद हम क्रिकेट ब्रांड ऑफ क्रिकेट एक्सप्रेस भी कर सकते हैं ज़्यादा अच्छा तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि सबके साथ बैठे मीटिंग्स होती हैं आप आप सबको पता है मीटिंग्स होती हैं जब टीम हारती है अंडर प्रेशर होती है नो no डाउट लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ जब जब सब कुछ डाउन होता है उस वक्त आप कैसे निकलते हैं सो दैट इज़ द केस हाउ हाउ वी सेट टॉक एंड हाउ वी कम टू मोरो Uh, जब आप बैटिंग के लिए गए फोर्थ डाउन तो हस्टैन एक विकेट ले चुके थे और आपने आते ही एक उन्हें बाउंड्री भी कर दी थी और नेक्स्ट बॉल पे ही सरफराज ने उन्हें कुछ समझाया और नेक्स्ट बॉल पे आप कॉट बिहाइंड हो गए तो थोड़ा सा रिग्रेट है कि आप थोड़ा सा पिच पे स्टे करते खेलते तो ज़्यादा लंबी इनिंग खेल सकते थे फर्स्ट मैच में अच्छी पार्टनरशिप भी लगी थी मलिक भाई के साथ जी बिल्कुल आई थिंक uh, विकेट पे विकेट पे स्टे करने की वही कोशिश थी आई थिंक बॉल अच्छा उसने किया उसने प्लान एग्जीक्यूट किया इट्स 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 पार्ट ऑफ गेम कि आप जल्दी आउट हो जाते हैं बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा जो बंदा सेट हो जाए इस कंडीशन में आई थिंक वो शोएब भाई की इनिंग्स देखे गप्टिल की इनिंग्स देखे रोसो ने खेला रिजवान ने खेला वो फिर बहुत लंबा लगेगा बस सिर्फ ये थोड़ा सा डिफरेंस है हमारी टीम में बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है सर मैं जावेद इकबालू ट्वेंटी फोर न्यूज़ से आ, कल आज तो हार गए तीन मैच मुसलसल आप लोगों को शिकस्त हो तो गई कल लाहौर के ख़िलाफ़ क्या हमतें हम लोग की लो और दूसरा कि आपके टीम ऑनर जिनके कई इदारे बेचैनी से मुंतजर उनके दीदार को वो कितने मायूस और परेशान होंगे आपकी तीन मुसलसल शिकस्त के बाद बिल्कुल देखें अभी अभी देखें अभी तो आज का मैच खत्म हुआ अब हम बैठेंगे प्लान करेंगे लाहौर के खिलाफ कैसे अमली करनी है अभी तक की जो हिमत अमली है वो नाकाम जा रही है तो हम सोचेंगे बैठ के किस तरह हम कौन सा कॉम्बिनेशन खिलाएं कौन से मैचअप्स देखें कौन से विकेट पे मैच हो रहा है तो तीन चार चीज़ें वो देखना पड़ेगा देखें हम लोग क्रिकेट कोशिश करेंगे कि अच्छी खेलें क्राउड को भी मजा है और जीतने की कोशिश करें कोई भी टीम जाके हारने की कोशिश नहीं करती इट्स इट्स जस्ट इट्स जस्ट अ लीन पैच जो ख़त्म नहीं हो पा रहा पिछले सीजन भी और इस सीज़न भी सो so, वो हमें लीन पैच खत्म करना है और अर्ली इन द टूर्नामेंट करना है क्योंकि लास्ट ईयर हमने एट्थ या नाइन्थ मैच जीता था सो अर्ली इन द टूर्नामेंट हम वो लीन पैच खत्म करेंगे तो उससे हम आगे जाएंगे और दूसरा क्वेश्चन आपका जी जी बिल्कुल आई थिंक सलमान भाई इज़ सलमान भाई इज़ अ ग्रेट गाय और लास्ट ईयर भी ओबीसी बात है डिसअपॉइंटमेंट होती है लेकिन वो कभी भी इस तरह ना अमल दखल करते हैं ना कोई प्रेशराइज़ करते हैं हमें हमें बिल्कुल उन्होंने खुला छोड़ा होता है और रिस्पेक्ट करते हैं हम उनकी बातों का और जिस तरह उन्होंने आ, हमारे साथ हमें सात आठ साल हो गए उन्होंने जिस तरह रखा है सो आई थिंक वो फ़िलहाल अभी तक तो ट्रस्ट है हम पे तो हम कोशिश करेंगे कि बैठ के बात करें और ऑनेस्टली आई नो इट्स हार्ड कि आप आके यहाँ पर Uh, तीन हारने के बाद भी आप ये कहें कि नहीं हम जीतेंगे और हम जीत सकते हैं कोशिश करेंगे बट एनी थिंग इज़ पॉसिबल इन क्रिकेट और हमें कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए किसी भी टीम को और ना हमें कोई लाइटली ले पूरे टूर्नामेंट थैंक यू